आज मैं बताऊंगी कि मोतियों वाली साड़ी पे मशीन से कैसे रखते हैं फॉल। देखिए इसमें काफी मोती हैं ये वाले, और किस तरीके से रखेंगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए कितनी सुंदर साड़ी है और इस पे फॉल रख के मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से रख जाती है, ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगी और चुटकियों में फॉल रख के तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉल रखना। तो देखिए सबसे पहले मैं इस किनारी को आपको सिल के दिखाऊंगी। जो किनारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्लाउज इसका मैंने निकाल दिया है, तो उल्टी तरफ से ऐसे देखो जी किनारी है, ऐसे मोड़ेंगे पहले, फिर ऐसे मोड़ेंगे। दो बार मोड़ लिया इसे, किनारी को सेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी किनारी को पहले सेट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, मैंने इसकी किनारी सेट कर ली है, अब हम इस धागे को कट कर देंगे। पूरी किनारी इस तरीके से सेट हो गई है, आपको दिख रही होगी, देखो। तो अब मैं आपको फॉल रखना बताऊंगी किस तरीके से फॉल रख। देखिए ये मोती हैं ये वाले, इन हम चारों मोतियों को निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से देखो निकल जाते हैं, नाखून से ही निकल जाते हैं, बस देखो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। फिर से आगे देखेंगे, यहाँ पे मोती हैं, तो इन चारों को हम निकाल देंगे। फिर से देखेंगे यहाँ पे, तो इन्हें निकाल देंगे। तो इसी तरीके से अपने जो मोती आ रहे हैं हमारी, देखो इस तरीके से किनारी पे लगे हुए, तो उन्हें हम निकालते जाएंगे और अपनी फॉल हम इस तरीके से रखते जाएंगे। देखिए थोड़ा सा कोना छोड़ेंगे इधर की साइड में इतना सा, अब यहाँ से हम फॉल रखेंगे। फॉल की किनारी लेंगे ऐसे, इधर की साइड हमारी उल्टी फॉल है, इधर की साइड में सीधी है, तो उल्टी तरफ हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब यहाँ से ऐसे रखेंगे ऐसे। तो अब हम इस पे सिलाई करेंगे। बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाएगी, आराम आराम से सिलाई करनी है। देखो इस तरीके से, इस वाली किनारी से, इस किनारी से बाहर हमारी फॉल नहीं निकलेगी, इस तरीके से अंदर ही रखनी है बस। मोती हम अपने देखते जाएंगे कि यहाँ तक हमने मोती निकाल दिए हैं, अब नहीं निकाले हैं तो निकालते जाएंगे साथ ही साथ। देखिए अब ये मोती निकाल दिए, अब सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कोई, देखो कितनी आसानी से ये फॉल रख रही है। तो थोड़ी सी रख के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और मशीन लगा लेंगे। ये मशीन से नीचे नीचे की किनारी पे मैंने फॉल रख ली है, देखो। तो अब क्या करेंगे, अब हम मशीन को हटा देते हैं और इस धागे को कट कर देते हैं। तो अब मैं आपको हाथ से रख के बता रही हूँ फॉल रखना किस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से देखो डबल धागे से रखती हूँ मैं, क्योंकि सिंगल धागा बहुत ही जल्दी पायल में, बिछियों में, यानी फॉल का धागा इज जाता है और फॉल जल्द से जल्द निकल जाती है। तो सिंगल फॉल से रखेंगे तो ऐसा ही अक्सर करके होता है, मगर डबल धागे से रखेंगे तो नहीं होगी, यानी फॉल हमारी नहीं निकलेगी।
तो इस तरीके से हम डबल फंदे यानी धागे से ही रखते हैं और ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से रख जाती है। देखिए अब इधर की साइड में रखेंगे, एक जैसा करता जाएंगे, इस तरीके से सेट करते जाएंगे और रखते जाएंगे फॉल को। आप अपनी साड़ी पे फॉल पटा पे या टेबल पे या ब्रेंच पे किसी पे इसी तरीके से रखें। तो थोड़ी सी फॉल रखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ही रखेंगे बस, तो थोड़ी सी रख के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सेट करते हुए फॉल को रखते जाएंगे ऐसे। मैंने इस पे बिना कच्ची सिलाई किए, बिना आर पिन की सहायता से हैवी साड़ी पे रखी है फॉल। देखिए कोई झोल नहीं है साड़ी में फॉल रखते समय, बिल्कुल की एकदम ऐसी आई है प्रॉपर तरीके से अच्छी एकदम। इसके नीचे लेस है देखो ये वाली, इसलिए हम बड़ा बड़ा बना रहे हैं, यानी धागा बड़ा बड़ा ले रहे हैं। तो धागे में नोट लगाते हुए दो से तीन बार तक इस तरीके से अंटे लगाते हुए इसमें नोट लगा दी है, धागे को कट कर देंगे और ये फॉल मेरी रखे एकदम तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखो एकदम कोई झोल नहीं है, पूरी साड़ी में झोल नहीं है। देखो तो मैं आपको देखो इधर की साइड में फॉल है और इधर की साइड में बहुत ही पास से दिखा रही हूँ, देखो बिल्कुल भी झोल नहीं है हैवी साड़ी में भी, तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, पूरी साड़ी में कोई झोल नहीं है। तो ये मेरी फॉल रख के तैयार है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।